morning, class 7. Today we are going to study our first chapter, nutrition in plant. We all know that food is our basic need. आप सभी लोग जानते हैं कि food हमारा basic need है ना? और जितने भी living beings हैं उनको जिंदा रहने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? Energy की ज़रूरत होती है. और वो energy हमें कहाँ से मिलती है? Food से मिलती है. है ना? फूड के अंदर न्यूट्रिशंस होते हैं और न्यूट्रिशन से हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है टू डू मैनी एक्टिविटीज़ एंड टू डू मैनी वर्क्स. ओके, डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन. जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं अलग अलग तरह के ऑर्गेनिज्म के अंदर अलग अलग तरह का मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है. मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है? मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब होता है कि किस तरह से वो न्यूट्रिशन ले रहे हैं. न्यूट्रिशन लेने की उनकी प्रोसेस क्या है? ठीक है, एनिमल्स ह्यूमन डिपेंड ऑन अदर एनिमल्स. जैसे कि एनिमल्स होते हैं या ह्यूमन बींग्स होते हैं, हम लोग किस पे डिपेंड होते हैं? हम लोग डिपेंड होते हैं या तो प्लांट्स पे या फिर हम एनिमल्स पे डिपेंड होते हैं, है ना? और जो प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं? प्लांट्स भी हमारे लिविंग बींग्स में आते हैं, वो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लेकिन वो अपना खाना खुद बनाते हैं, है ना? तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट पढ़ते हैं. सबसे पहले हम लोग, सबसे पहले आता है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है? देखिए, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, है ना? तो इसका मतलब क्या है कि वो न्यूट्रिशन जो कि सेल्फ हो रहा हो. तो ऐसा न्यूट्रिशन कौन करते हैं? मोड ऑफ न्यूट्रिशन किसका होता है? प्लांट्स का होता है. प्लांट्स क्या करते हैं? अपना खाना खुद बनाते हैं, है ना? तो वो क्या होता है? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. सेकेंड होता है हेट्रो. हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है? हेट्रोट्रॉपिक का मतलब होता है, हेट्रो का मतलब होता है अदर. ठीक है, इसका मतलब आपको समझ में आ रहा होगा कि इसका मतलब यह है कि वो न्यूट्रिशन जो कि हम किसी दूसरे से लेते हैं या फिर अपने न्यूट्रिशन के लिए किसी और पर डिपेंड होते हैं वो कहलाता है हमारा हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. अब ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता कैसे है? देखिए, आपको पता है कि जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं, फूड बनाते हैं हमारे, वो किसकी प्रोसेस कैसे बनाते हैं? वो थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. फोटो का मतलब होता है लाइट, सिंथेसाइज का मतलब होता है प्रिपेयर करना, लाइट में अपना खाना बनाना. वो कैसे बनाते हैं? देखिए, आपको पता है जितने भी प्लांट्स होते हैं हमारे, ग्रीन प्लांट्स होते हैं, उनके अंदर क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है. क्लोरोफिल क्या है? क्लोरोफिल एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जो प्लांट्स को हेल्प करता है ग्रीन करने में उनके लीव्स को, और उनको खाना बनाने में हेल्प करता है. ठीक है, तो प्लांट्स हमारे क्या है? ऑटोट्रॉप्स है. और इनका जो न्यूट्रिशन है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है, है ना? प्लांट आर द ओनली लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट फॉलो द ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. हमारे प्लांट्स ही ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जो कि क्या करते हैं? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करते हैं. जैसे कि हम एनिमल्स हैं या फिर हम ह्यूमन बींग्स हैं, तो वो क्या करते हैं? हम लोग क्या करते हैं? हम लोग डिपेंड होते हैं या तो प्लांट्स पर, या तो हम क्या खाएंगे? सब्जियां खाएंगे, दाल खाएंगे, या फिर हम मीट खाएंगे. तो हम किस पर डिपेंड हैं? या तो हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम प्लांट्स या एनिमल पर डिपेंड होते हैं. ओके, अब फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है? सबसे पहले होता है क्लोरोफिल. देखिए, प्लांट के अंदर क्लोरोफिल होना ज़रूरी है. इसका मतलब ये है कि वही प्लांट आपका फूड प्रिपेयर कर सकता है जो कि क्या हो? क्लोरोफिल से फुलफिल हो, या फिर वो ग्रीन प्लांट हो. ओके, द ग्रीन कलर ऑफ प्लांट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल विच इज़ अ पिगमेंट प्रेजेंट द लीफ. एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जो कि लीव्स के अंदर प्रेजेंट होता है, उसको हम क्या कहते हैं? क्लोरोफिल कहते हैं. और क्लोरोफिल हेल्प करता है हमारे फोटोसिंथेसिस. सेकेंड होती है हमारी सनलाइट. देखिए, लाइट भी चाहिए हमें. देखिए, फोटोसिंथेसिस का मतलब ही आपको समझ में आ गया होगा. फोटो का मतलब लाइट हो गया, है ना? तो सनलाइट, है ना? तो सनलाइट हमें कहाँ से मिल रही है? सन से मिल रही है. ठीक है, उसके बाद हमें ज़रूरत होती है वाटर की. किसकी ज़रूरत होती है? वाटर की. ओके, देन हमें ज़रूरत होती है कार्बन डाइऑक्साइड की. ठीक है, अब क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलती है? आपको पता है हमारे लीव्स के ऊपर, जो हमारे प्लांट की लीव्स होती हैं उसके ऊपर छोटे छोटे स्टोमेटास प्रेजेंट होते हैं, छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? स्टोमेटा. जो ओपनिंग होती है लीव्स के अंदर, छोटे छोटे जो आपके होल्स प्रेजेंट होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? स्टोमेटा कहते हैं. और स्टोमेटा हेल्प करता है हमारे एनवायरनमेंट से CO2 को कैप्चर करने में. देखिए, चाहे सनलाइट आ रही है, चाहे हमारा क्लोरोफिल आ रहा है, वो कहाँ से मिल रहा है हमें? एटमॉस्फेयर से मिल रहा है, मतलब हमारे एनवायरनमेंट से मिल रहा है. ठीक है, दे अब्सॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड विद द हेल्प ऑफ स्टोमेटा फ्रॉम द एनवायरनमेंट एंड यूज इट इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. ठीक है, द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कैन बी रिप्रेजेंटेड इन इक्वेशन एज गिवन. अगर इक्वेशन के फॉर्म में हम इसको दिखाते हैं, शो करते हैं, तो हम कैसे शो करेंगे? देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड है. कार्बन डाइऑक्साइड हमें कहाँ से मिल रही है? एटमॉस्फेयर से मिल रही है. ठीक है, वाटर है. ठीक है,
और उसके बाद सनलाइट है, क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल हमारे लीव्स के अंदर प्रेजेंट है, सनलाइट हमें मिल रही है सन से, फिर हमारा क्या बन जाता है, कार्बोहाइड्रेट बन जाता है और ऑक्सीजन मिल जाता है। प्लांट्स क्या करते हैं, आप लोग जानते भी हैं या आप प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं कि प्लांट्स क्या करते हैं कि अपने अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन को पास आउट करते हैं, है ना। तो वो हमें क्या देते हैं, एज अ रिजल्ट ऑक्सीजन मिलता है और कार्बोहाइड्रेट मिलता है। ओके, यू गेट इट। नेक्स्ट आता है हमारा रोल ऑफ लीव्स इन फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में लीव का क्या रोल होता है, देखिए, दे कैन स्टोमेटा विच हेल्प देम टू टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड। अगर इस लीव्स नहीं होंगी तो उसके अंदर जो स्टोमेटा प्रेजेंट है तो उसके थ्रू ही तो आता है अंदर हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, तो वो कैसे आएगी। इसका मतलब ये कि हमारी जो लीव्स हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट, द स्टोमेटा रिलीज ऑक्सीजन आफ्टर द प्रोसेस इज कम्प्लीटेड। जो स्टोमेटा जो होता है वो क्या करता है, जब पूरी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कम्प्लीट हो जाती है और ऑक्सीजन बन जाती है तो वो हेल्प करता है स्टोमेटा कि अपने जो गैस होती है हमारी ऑक्सीजन होती है उसको बाहर निकालता है, ठीक है। एंड दे आर गार्ड सेल इन द लीव्स एट कंट्रोल द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा। जो उसके अंदर क्या प्रेजेंट होती है, लीव्स के अंदर गार्ड सेल्स प्रेजेंट होती हैं जो कि कंट्रोल करती है हमारे स्टोमेटा की ओपनिंग को क्लोज करने में और खोलने में, ठीक है। दे हैव क्लोरोफिल, ये तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ और ये सबसे ज़रूरी भी पॉइंट है हमारा कि क्लोरोफिल जो होता है ग्रीन पिगमेंट वो हमारे लीव्स के अंदर प्रेजेंट होता है, उसी की वजह से ही हमारी जो सन से जो हम सनलाइट करते हैं वो क्रैप कर पाते हैं। दूसरा जो क्लोरोफिल होता है वो भी हमारे लीव्स में प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कर पाते हैं। ओके, आप लोगों को समझ में आ रहा है ना। नेक्स्ट आता है तो हम प्लांट को क्या कहते हैं, फूड फैक्ट्री भी कहते हैं, है ना, क्योंकि वो फूड बनाते हैं तो हम इसको क्या कहते हैं, फूड फैक्ट्री भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है कि हम कोई भी चीज़ अगर कर रहे हैं, कोई रिएक्शन कर रहे हैं तो उसका जो निकल के आता है तो हम उसको क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, तो जो प्रोडक्ट हो रहा है, जो निकल के आ रहा है हमारा क्या होता है, सबसे पहला आता है प्लांट्स गिव आउट ऑक्सीजन। ऑक्सीजन दे रहा है, इट इज़ नेसेसरी फॉर ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर द रेस्पिरेशन प्रोसेस। विदाउट ऑक्सीजन हमारे कोई भी लिविंग बींग्स क्या नहीं कर सकता, रेस्पिरेशन नहीं कर सकता, रेस्पायर नहीं कर सकता, ब्रेथिंग नहीं कर सकता। वो किसकी वजह से होती है, ऑक्सीजन की वजह से होती है, सो इट इज़ वेरी यूजफुल। नेक्स्ट, प्लांट ऑल्सो गिव आउट द एक्स्ट्रा वाटर थ्रू द स्टोमेटा। जो प्लांट्स होते हैं वो स्टोमेटा के थ्रू जो एक्स्ट्रा वाटर होता है लीव्स के अंदर उसको भी पास आउट करते हैं, तो स्टोमेटा कैसे हेल्प करता है हमारी। और जो फूड प्रिपेयर होता है प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस तो वो किसकी फॉर्म में होता है, कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में, और शुगर और ग्लूकोज, है ना, उसको हम कार्बोहाइड्रेट भी कह सकते हैं, शुगर भी कह सकते हैं और ग्लूकोज भी कह सकते हैं। एंड इट इज़ कन्वर्टेड इनटू स्टार्च एंड इट इज़ स्टोर्ड इन द प्लांट बॉडी। और वो कहाँ स्टोर हो जाता है, हमारा प्लांट बॉडी के अंदर स्टोर हो जाता है। डिफरेंट प्लांट स्टोर देयर फूड इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ देयर बॉडी। अलग अलग तरह के प्लांट जो होते हैं अपने फूड को अलग अलग पार्ट में स्टोर करके रखते हैं, सच एज स्टेम, रूट, लीव्स, सीड्स, फ्रूट्स, फ्लावर्स एक्सेट्रा। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक सब कुछ। देखिए, कुछ ऐसी लीव्स होती हैं जो कि ग्रीन नहीं होती है ना, तो वो कैसे खाना बनाएंगे। तो कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि स्टेम के थ्रू, जिनकी स्टेम ग्रीन होती है, तो ग्रीन स्टेम की वजह से वो क्या करते हैं, अपने फूड को प्रिपेयर करते हैं और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, इम्पॉर्टेंट क्यों है फोटोसिंथेसिस हमारे लिए, ये आप सभी लोग जानते हैं और इसको बताने की इतनी ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि आप प्रीवियस क्लास में भी पढ़ चुके हैं, बट हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस क्यों ज़रूरी है। देखिए, फोटोसिंथेसिस की अगर प्रोसेस नहीं होगी और फूड प्रिपेयर नहीं होगा, प्लांट अगर फूड प्रिपेयर नहीं करेंगे तो हमें ऑक्सीजन कैसे मिलेगी, और ऑक्सीजन कितनी नेसेसरी है हमारे लिए ये हम सभी लोग जानते हैं। ठीक है, द फूड स्टोर इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट इज ईटन बाय द एनिमल्स एंड ह्यूमंस। ऑल द एनिमल्स एंड द ह्यूमन बींग्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड अपॉन द प्लांट्स फॉर देयर फूड। कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम कहाँ किस पे डिपेंड होते हैं, प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं अपने खाने के लिए। ठीक है, क्योंकि अगर हम प्लांट्स खा रहे हैं डायरेक्टली तब भी हम उस पर डिपेंड हैं, और अगर हम एनिमल्स को खा रहे हैं तो एनिमल्स क्या होते हैं, हमारे प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं। तो इस तरह से हम कहा इनडायरेक्टली प्लांट्स पे पूरी तरह से डिपेंडेंट होते हैं। ओके, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन रिलीज आउट इन द एटमोसफेयर बाय द प्लांट। ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग प्लांट आर यूज ऑक्सीजन फॉर द रेस्पिरेशन। जितने भी लिविंग बींग्स हैं वो क्या करते हैं, प्रोसेस करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं किसके थ्रू, ऑक्सीजन के थ्रू, और वो रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो रेस्पिरेशन में हेल्प कौन कर रहा है, ऑक्सीजन कर रहा है, तो ऑक्सीजन हमारे लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। ठीक है, एंड हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है,
देखिए इन अर्लियर क्लासेस वी हैव स्टडीड दैट द ऑर्गेनिज्म व्हिच डू नॉट मेक देयर ओन फूड आर कॉल्ड द हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। मैं आपको अभी बताया था कि हेटरोट्रॉप्स का मतलब क्या होता है, जो कि दूसरों पर डिपेंड होते हैं, ऐसे एनिमल्स और ह्यूमन बींग जो कि दूसरों पर डिपेंड होते हैं अपने खाने के लिए, उनको हम क्या कहते हैं, हेटरोट्रॉप्स कहते हैं। क्या कहते हैं? हेटरोट्रॉप्स। ऐसे एनिमल्स को हम हेटरोट्रॉप कहेंगे और ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम कहेंगे हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। और हम लोग क्या एनिमल्स या फिर हम ह्यूमन बींग्स क्या कैसे हैं, हम लोग हेटरोट्रॉप्स हैं, मतलब हम अपने खाने के लिए कहीं ना कहीं प्लांट्स और एनिमल्स पर डिपेंड हैं। तो हम किस में आते हैं, हम कौन है, हेटरोट्रॉप्स हैं और हमारा न्यूट्रिशन क्या है, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है। ठीक है, द प्लांट विच हैव हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर ऑफ फोर टाइप्स, देयर आर पैरासाइटिक प्लांट, सेप्रोफाइट्स प्लांट, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स और सिम्बायोटिक प्लांट्स। ओके, देखिए पैरासाइट्स कौन से होते हैं, पैरासाइट्स वो होते हैं जो दूसरों पर डिपेंड होते हैं। एक प्लांट अगर दूसरे प्लांट पर डिपेंड है तो वो क्या होगा, पैरासाइटिक प्लांट होगा, उसका जो न्यूट्रिशन होगा वो क्या होगा, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। ओके, नेक्स्ट आते हैं सेप्रोफाइटिक प्लांट्स और सेप्रोटॉप्स क्या होते हैं। देखिए सेप्रोफाइटिक प्लांट्स और सेप्रोटॉप्स डू नॉट हैव क्लोरोफिल, इनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता, सो दे डू नॉट कैरी आउट द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, तो ये फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को नहीं कर पाते हैं। दे डिपेंड ऑन द डेड एंड द डिकाय एनिमल्स, ये कहाँ किस पे डिपेंड होते हैं, जितने भी हमारे डेड एनिमल्स होते हैं या डेड मैटर्स सॉरी डेड थिंग्स होती है उस पर डिपेंड होते हैं, अपने न्यूट्रिशन लेते हैं उससे, जैसे कि द फंगी होती है हमारी, ये किस पे डिपेंड होती है, ये डेड थिंग्स पे डिपेंड होती है, जैसे कि ब्रेड हमारा ख़राब हो जाता है या कितनी भी हमारी सड़ी गली चीज़ें होती हैं उन पे डिपेंड होता है। फंगस जो होती है हमारी अक्सर ख़राब चीज़ों पे लगती है ना, तो उसको वो क्या होती है, हमारी सेप्रोफाइट्स होते हैं हमारे, इनको हम सेप्रोफाइटिक प्लांट कहते हैं। ओके, इंसेक्टिवायरस प्लांट्स कौन से होते हैं, इंसेक्टिवायरस प्लांट्स हमारे वो प्लांट्स होते हैं जो कि इंसेक्ट्स को खाते हैं। ठीक है, ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया। उसके बाद होता है पिचर प्लांट, आपने पिचर प्लांट के बारे में सुना होगा, एक पिचर प्लांट होता है जो एक जज मतलब होता नहीं है, जग लाइक स्ट्रक्चर होता है उसका, वो क्या करता है अपने आप को खोलता है और उसके अंदर क्या कर लेता है, किसी भी इंसेक्ट को ले लेता है, उसको खा जाता है, तो ये क्या होता है, पिचर प्लांट होता है। ओके, देखिए मिनरल्स आर एब्जॉर्ब बाय द रूट ऑफ द प्लांट फ्रॉम द सॉइल, इज कॉल्ड द मिनरल न्यूट्रिशन। मिनरल न्यूट्रिशन क्या है, देखिए वी ऑल नो दैट द प्लांट्स नीड वाटर एंड द मिनरल्स फॉर देयर प्रॉपर ग्रोथ, हेल्थ एंड डेवलपमेंट और टू सस्टेन देयर लाइफ। सारे प्लांट्स को, जितने भी प्लांट्स होते हैं उनको ज़रूरत होती है किसकी, वाटर की, मिनरल्स की, एक प्रॉपर ग्रोथ के लिए और अपनी लाइफ को सस्टेन करने के लिए, अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन वो ये मिनरल्स कहाँ से लेते हैं, वो ये मिनरल्स लेते हैं हमारे कहाँ से, सॉइल से, है ना। द मिनरल्स फ्रॉम सॉइल दे आर नीडेड इन द adequate quantity in the soil, the balance of the mineral in the soil should be maintained for this। और इस चीज़ को, क्योंकि देखिए अगर किसी एक फसल हमारी हो रही है तो उसमें मिनरल्स का यूज़ हो गया, मतलब कहीं ना कहीं हमारी सॉइल के अंदर मिनरल्स कम हो जाते हैं, तो उसको रिकवर करने के लिए, दोबारा उसके अंदर मिनरल्स करने के लिए हम क्या करते हैं, आपने अक्सर यूज़ देखा होगा कि हमारे बैक्टीरियाज जो होते हैं वो हेल्प करते हैं। ठीक है, हमारे नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, नाइट्रोजन हमारी सॉइल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, नाइट्रोजन अगर लेवल हमारी है, अगर आप कोई भी फसल हो रही है और उसमें अगर दोबारा हम फसल लगाते हैं तो उसमें नाइट्रोजन का जो लेवल होता है वो कम हो जाता है, तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, आपने देखा होगा या सुना भी होगा कि फार्मर्स जो होते हैं, हमारे जो किसान होते हैं, जो फार्मर्स होते हैं, वो किसका यूज़ करते हैं, मैन्यूर्स का यूज़ करते हैं और फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते हैं सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए। तो मैन्यूर्स कब एडिट किया जाता है सॉइल में, जबकि सॉइल सॉरी जब सॉइल को प्रिपेयर किया जा रहा होता है किसके लिए, क्रॉप लगाने के लिए, उससे पहले हम मैन्यूर्स का यूज़ करते हैं, उसके बाद जब हमारी फसल लग जाती है तो उसके बाद हम क्या यूज़ करते हैं, फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते हैं, ताकि उसके ऊपर जितनी भी हमारी सॉइल की फर्टिलिटी है वो बढ़ जाए और जिसके फालतू जो वेस्ट है हमारा वो क्या हो जाए, डेड हो जाए, इससे हमारे जो सॉइल को अच्छे से फिक्सेशन हो जाए और हमारे क्या हो, क्रॉप एक हेल्दी क्रॉप हो और हमारे जो प्लांट्स हो वो लाइफ को अच्छे से सस्टेन कर पाए। ठीक है, इस फर्टिलाइजर्स के अंदर क्या होते हैं, मिनरल्स होते हैं, जो कौन कौन से मिनरल्स होते हैं, पोटेशियम, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन एक्सेट्रा, हैंस इनरिच द सॉइल विद सर्टेन द न्यूट्रिशन एंड इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ क्रॉप। और ये फर्टिलाइजर्स मैन्योर्स क्या करते हैं, हमारी सॉइल की फर्टिलिटी को, प्रोडक्टिविटी ऑफ क्रॉप को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, आप लोग का चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है, आई थिंक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा।
ठीक है, मैंने उस फर्टिलाइज़र में डिफरेंस दे रखे हैं, आप लोग ये पढ़िएगा। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आते तो आप मुझे व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा आपको जो भी समझ में नहीं आ रहा है, और ये मैं आप लोगों को सेंड कर दूँगा एक्सरसाइज। आप लोगों को कॉपी में सारा नोट करना है, कोई भी एक्सरसाइज आप लोगों की रहनी नहीं चाहिए, सारी कॉपी में नोट होनी चाहिए। उसके बाद आपको कोई भी चीज़ अगर चैप्टर में समझ में नहीं आई है तो आप अंडरलाइन करके उस चैप्टर के में से कोई भी चीज़ पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।